हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बेहतरीन। मैं उम्मीद भी यही कर रहा हूं कि आज तो बहुत बेहतरीन होंगे। और आज जिस तरीके की तेजी मार्केट के अंदर हुई है, और स्पेशली जहां पर शॉर्ट्स थे, आज जितने भी पुट के प्रीमियम्स थे, सबको इन द मनी जितनी भी पुट्स थी, उन सब के प्रीमियम जो है आज ऑपरेटर खा गया। और जिनके पास कॉल थी, जिन्होंने कॉल्स खरीद रखी थी, स्पेशली बैंक निफ्टी की, उनकी आज बल्ले बल्ले हो गई। यानी कि इसकी एवज में हम एक बात बोल सकते हैं कि आज जो तेजी थी वो कहाँ से आई? वो आई बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी छोड़िए, जो भी फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ सेक्टर था, फाइनेंशियल से जुड़ी हुई कोई भी कंपनी थी, उसके अंदर इतनी बेहतरीन तेजी आज देखने के लिए मिली कि बैंक निफ्टी ने एक बार भी सांस नहीं लिया। और एक बार जिन लेवल को छू लिया तो उसके बाद जो है अगले लेवल नए उसने टच किए। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूरे के पूरे दिन जो आप एक बात देखिएगा कि जो तेजी थी वो फाइनेंशियल से बनी हुई थी। इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर भी बहुत जान थी आज, और मैं उनका भी जिक्र करूँगा आज आपके साथ, स्पेशल स्मॉल और मिड कैप्स के अंदर भी। तो आज जो है मैं स्मॉल कैप के जो सेगमेंट्स हैं उसमें से कुछ शेयर्स को जो है तेजी वाले शेयर्स को आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो मैं आपके साथ बात करूं, तो उससे पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा आपके साथ कि जो बात में सारी बातें करनी है उनसे पहले कि तेजी का मूल कारण क्या था। तेजी आ रही थी जी अमेरिका से। अमेरिका के अंदर जो डाउ जोन्स के अंदर तेजी थी कल शाम को, और उसके बाद 200 पॉइंट डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है सुबह जो तेजी दिखा रहा था, उसको ऑपरेटर ने हाथों हाथ लिया। और आज के जो सितारे थे वो थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। और ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी ने करीबन करीबन 2000 पॉइंट की रैली पिछले बृहस्पतिवार से यहाँ इस बृहस्पतिवार के अंदर की है। यानी कि 10% की रैली बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी केवल और केवल एक हफ्ते में। सभी लोग जो है बैंक निफ्टी में शॉर्ट मार के बैठे हुए थे कि जी बैंक्स वीक है तो बैंक को शॉर्ट्स कर दीजिए। तो मोस्टली लोग जो है पुट खरीद के बैठे हुए थे और ऑपरेटर कॉल खरीद के बैठा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी पुट के प्रीमियम्स थे इस हफ्ते के अंदर, उन सब पुट के प्रीमियम्स आपको साफ होते हुए नजर आए। और ध्यान रखिएगा, इन द मनी पुट भी जो है सुबह सुबह ही आउट ऑफ द मनी हो गई। और रीज़न था आज जिस तरीके से मार्केट ने ओपनिंग की, और आज ऑपरेटर मन बना के बैठा था कि मार्केट आज खींचनी है, एक बार भी सांस नहीं लेना है। और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ जो है आज बाइंग जो है देखने के लिए मिली। और मैं आपके साथ जैसे बात कर रहा हूँ स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के अंदर, तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी देखिएगा करीबन 170 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। और जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, तो आज मैंने आपको कैंडलस्टिक चार्ट नहीं लगाया है, एक सिंपल चार्ट आपके साथ मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इस पूरे के पूरे चार्ट के अंदर आप ये समझ जाइएगा कि निफ्टी में तो कहीं कहीं पर जो है थोड़े से डाउन्स आपको नज़र आएंगे करीबन 2 बजे के आसपास के, लेकिन आप जब बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको ऐसी कोई भी वीकनेस आपको नज़र नहीं आएगी। और बैंक निफ्टी देखिएगा जो है आज रफ्तार के अंदर था, और ऐसी हुंकार भरी कि 794 पॉइंट, 800 पॉइंट आप मान लीजिएगा इसको, 800 पॉइंट्स की जो है तेजी की। ये आपको जो क्लोजिंग दिख रही है 22246 पे दिख रही है, लेकिन आप आज के हाईएस्ट लेवल देखेंगे वो भी जब 3 बजे के बाद ही बने हैं, तो 22293.75। और ये जो तेजी थी ये इस बात को गवाह कर रही थी कि आज जो एक रेजिस्टेंस था, हालांकि वहाँ मार्केट रुकी काफ़ी देर, करीबन 1 घंटा वहीं पर बिताया उस रेजिस्टेंस के पास, तो वो था 22063 का, लेकिन अल्टीमेटली 1.5 घंटे ट्रेड करने के बाद जो उसको तोड़ दिया। और वहाँ पर भी जो है बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट्स बनाए होंगे क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो उसको भी पार करके जो है आज बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। आज अगर हम निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें, तो कौन से ऐसे शेयर्स थे जो आज तेजी का रुख किए हुए थे? तो आप देखिएगा, यहाँ पर तेजी के रुख करने वाले जो शेयर्स थे उनके अंदर सबसे पहला नाम है इंडसइंड बैंक। देखिएगा, ये पिछले हफ्ते का सबसे वीक स्टॉक था बैंक निफ्टी का, और आज देखिएगा इस हफ्ते का ये सबसे तेज। पूरे एक हफ्ते के दौरान ये शेयर 100 रुपये से ज़्यादा की तेजी ले चुका है, सीधा सीधा 100 रुपये बन गए हैं। यानी कि हफ्ते भर के दौरान ये जो शेयर्स है इसने 20 से 25% की तेजी दिखा चुका है। आज ही केवल 12.5% की तेजी थी। तो ये बैंक निफ्टी वैसे ही हाई बीटा है, और उस हाई बीटा में सबसे बड़ा बीटा इंडसइंड बैंक है। उसके बाद देखिएगा अगला दिग्गज बजाज फाइनेंस, 5.4% की तेजी।
फंडामेंटल्स हो सकते हैं कि इनके वीक होम और इसीलिए लोगों ने शॉर्ट्स कर रखे थे, या इन्हीं लोग इसी तरीके से लोगों ने पुट खरीद रखी, उन सबको आज ट्रैप करता हुआ ऑपरेटर नजर आए। उसके बाद देखिए एक्सिस बैंक 4.1%, और अगर आप इनके ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे, क्योंकि मैं जनरली बैंक निफ्टी पे नज़र रखता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़ी खास नज़र आएगी कि एक बार भी शेयर्स के अंदर वीकनेस नहीं आई किसी भी शेयर्स के अंदर, चाहे आप इंडसइंड बैंक की बात करिए, बजाज फाइनेंस की बात करिए, एक्सिस बैंक की बात करिए। उसके बाद अगला था बजाज ऑटो, तो बजाज ऑटो 4% की तेजी, ICICI बैंक 3.88, ये जाके देखिएगा जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है 371 372, उसके पास जाके इसको रेजिस्टेंस मिला तो वहाँ पे थोड़ी सेलिंग आई, वो भी लास्ट के टाइम के अंदर। उसका देखिएगा तो ये भी करीबन 4% की तेजी थी। उसी तरीके से टेक महिंद्रा के अंदर करीबन 4% की तेजी, अदानी के अंदर 3.57 की, बजाज फिनसर फिर देखिएगा फाइनेंशियल्स के अंदर 3.38, फिर देखिएगा बजाज फाइनेंस के, बजाज फिनसर के बाद कोटक महिंद्रा बैंक करीबन 3% की तेजी। उसके बाद देखिएगा एशियन पेंट्स में करीबन 2.9% की, जी एंटरटेनमेंट आज की डेट में नहीं है। HDFC फिर देखिएगा फाइनेंशियल में 2.74, फिर देखिएगा HDFC बैंक 2.73, फिर देखिएगा बैंक 2.59, फिर देखिएगा यहाँ पे भारतीय एयरटेल, आज काफ़ी दिनों के बाद जो है भारतीय एयरटेल में भी एक जान लौटती हुई नजर आई, HDFC लाइफ, फिर देखिएगा फाइनेंशियल्स। तो आप देखिएगा अगर आप फाइनेंशियल्स में देखेंगे, 1, 2, 3 इसको छोड़ दीजिए, 4 इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 5, 6 इसको छोड़ दीजिए, 7, 8, 9 और 10, इस स्क्रीन पे 10 ऐसे शेयर्स हैं जो केवल बैंक्स या फाइनेंशियल्स हैं, राइट। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल से संबंधित कुछ खबर जो मंडे को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, उसका भी असर हो सकता है आपको देखने के लिए मिले, कि हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्म्ड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास उस सुप्रीम कोर्ट में क्या गवर्नमेंट कहने जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन शायद किसी इंटरेस्टेड पार्टी को हो सकती है। गिरावट कहाँ थी? गिरावट तो ढूंढने से नहीं मिल रही थी आज, कहाँ ढूंढोगे? एक शेयर 1% से नीचे माइनस बंद हुआ, डॉक्टर रेड्डीज 1.31, एक शेयर। उसके बाद देखिएगा ये जो बाकी शेयर्स हैं, ये जो शेयर्स हैं ये सब की गिरावट 1% से कम थी, ONGC, ITC, NTPC, राइट। उसके बाद आप देखिएगा हिंडाल्को, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम, आइसर मोटर्स, विप्रो, लार्सन एंड टुब्रो, ये अगले हफ्ते के लिए शेयर। ध्यान रखिएगा अगले हफ्ते जब FNO की के अंदर ऑप्शन एक्सपायरी हो रही होगी, यही शेयर्स आपको चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, और मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है रिलायंस पे मेरी नज़र है। रिलायंस ने देखिएगा आज भी हालांकि 2263 का जो है हाई लगाया, तो यहाँ पर जो है अभी मार्केट के अंदर चेक किया जा रहा है कि रिलायंस को कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको रिलायंस में आगे चलते हुए तेजी मिलती हुई नज़र आए। और देखिएगा ऐसा भी हो सकता है कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल्स में जो तेजी थी और जो एक बार भी रिलीफ नहीं मिला, उसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी बात हो सकती है, या ऑपरेटर को हो सकता है कि अभी मार्केट को और ऊपर लेके जाना हो और वहाँ पर अपने शॉर्ट बिल्डअप करने हो, या हो सकता है कि यहीं पर उन्होंने कैश मार्केट में तो बाइंग की और फ्यूचर मार्केट में हो सकता है कि उन्होंने फ्यूचर्स में सेलिंग की हो। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो मार्केट है ये डेरिवेटिव से रिलेटेड होती है, तो दोनों तरीके की जो है संभावनाएं यहाँ पे बनती है। लेकिन मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि अभी हम जो हमारी जो मार्केट है वो डाउ को देख के जो है चल रही है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा 800 पॉइंट की तेजी, 3.7%। तो ये आपको मैं मोस्टली बैंक के नाम आपको बता ही चुका हूँ। तो आज जहाँ पर वेट था इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब 3% के आसपास या 3% से ज़्यादा तेज थे। और देखिएगा बंधन बैंक में बहुत दिनों के बाद जो है, क्योंकि बंगाल के अंदर इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, तो वहाँ पे देखिएगा लॉकडाउन के अंदर जो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, सिनेमा घर खुलने लगे हैं, तो यहाँ पर बंधन बैंक के अंदर जो है एक पुल बैक जो है आना लाजमी भी था, और वहाँ से आपको नज़र आएगी। बस एक बैंक माइनस में था, वो था पंजाब नेशनल बैंक। अब बात करते हैं स्मॉल कैप के अंदर जो शेयर्स तेजी में थे। तो देखिएगा जो स्मॉल कैप के अंदर जो शेयर्स तेजी में थे उनकी बात मैं आपके साथ करूं, तो इसमें से हो सकता है कि कुछ शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में भी हो, ऊपर के 4 शेयर्स में से हो सकता है 2 शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में भी हो। तो देखिएगा इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 20% के जो है अपर सर्किट पर आज बंद हुआ। हिम्मत सिंगा ये कल भी तेज था, आज फिर तेज था। ट्राइडेंट देखिएगा 18.4, ये देखिएगा जो टेक्सटाइल और जो चदरे तोलिए वगैरह का बिजनेस है उसमें एक और कंपनी भी नीचे आपको नजर आएगी, इंडो काउंट, उसमें भी अच्छी तेजी थी, तो इंडो काउंट में भी 10% की तेजी थी और ये सर्किट पे बंद हुआ है। ट्राइडेंट देखिएगा, ट्राइडेंट 18.4%। उसके बाद आदित्य बिरला मनी 11.2%, विदी स्पेशलिटी फूड इन्ग्रीडियंट्स, इस कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं पता लेकिन 10% की तेजी थी इसमें।
गति लिमिटेड, ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड 9.7, भंसाली इंजीनियरिंग, देखिएगा वो केमिकल और पॉलीमर्स वाली जो स्टोरी है उसके अंदर 2017 के अंदर ये सुपर स्टार शेयर था भंसाली इंजीनियरिंग, 25-26 रुपये के प्राइस से 200-250 रुपये तक गया था। तो अभी ऑपरेटर हो सकता है कि उस तरीके की रैली की शायद उम्मीद कर रहे हो, तो देखिएगा भंसाली इंजीनियरिंग में दोबारा से उस तरीके की तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। और इस तरीके से महाराष्ट्र स्कूटर्स के अंदर देखिएगा 8.3, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के अंदर देखिएगा 8 पॉइंट, गोकलदास एक्सपोर्ट देखिएगा, फिर मैं वो जो आपको टेक्सटाइल वाली बात बता रहा था, उसका पीवीआर के अंदर जो है, पीवीआर के अंदर भी जो लॉकडाउन के अंदर जो है ईज मिलने वाला है उसकी वजह से, फिर यूएफओ मूवीज देखिएगा 7% की, स्नोमैन लॉजिस्टिक, जीनस पावर, इक्विटास होल्डिंग, एलजी बालाकृष्णा, ठीक है जी, ऑटो एंसलरी में भी थे शेयर्स, इंडिको रेमेडीज, आईएनएक्स लेजर और मन्नापुरम फाइनेंस। तो अगर आप यहाँ पे पूरी बात देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा स्टील पाइप पर, सॉरी ये स्टील पाइप वाली कंपनी है, इसके अंदर तेजी थी, फिर कपड़ों की कंपनी के अंदर आज तेजी थी देखने के लिए अगर देखें तो। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सिनेमा घर से जुड़े हुए हैं, पीवीआर की बात करो, यूएफओ की बात करो, आईनॉक्स की बात करो, तो ये सेगमेंट आज तेज था। इसके अलावा अगर आप जो है लॉजिस्टिक के अंदर, दोनों कंपनी तेज थी, स्नोमैन लॉजिस्टिक भी और गति भी, तो इस तरीके के बिजनेस के अंदर जो है आज देखने के लिए मिला। और कुछ शेयर्स ऐसे भी थे जो अपने 52 वीक हाई को जो है आज टच करते हुए नजर आए। तो आप देखिएगा जैसे आज इलेक्ट्रो स्टील के कास्टिंग के जो शेयर्स है उसने अपना 52 वीक हाई भी जो है टच किया। तो इस तरीके से आपको कुछ शेयर्स ऐसे भी नजर आएंगे जो अभी 52 वीक हाई को आज टच करते हुए भी नजर आए। बंसाली इंजीनियरिंग का जो शेयर है इसने भी आज अपना 52 वीक हाई जो है टच किया 82 रुपीज़, और ये उम्मीदें जग रही हैं कि जिस तरीके की आईपीओ के अंदर तेजी है, लोग आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सेक्टर है जो स्मॉल और मिड कैप का जो स्पेस है, यहाँ पर एक और तेजी जो है अभी आपको देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि अगर पैसा आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी लोगों के पास काफ़ी लिक्विडिटी है और अभी लोग काफ़ी तत्पर हैं पैसा लगाने के लिए, जिस तरीके से आज हमने आईपीओ के जो अंदर जो रुझान देखे या पिछले हफ्तों से जो आईपीओ के रुझान है उनसे देखते हुए। तो आज के एनालिसिस में देखिएगा, मैं अभी आपको डाउ जोन्स की ही बात कर रहा था, तो डाउ जोन्स में आज भी अच्छी तेजी थी, हालांकि ऊपर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग डाउ जोन्स के अंदर अभी अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो थोड़ी आई थी, तो हालांकि आधी जो है तेजी वो गवा चुका था, लेकिन फिर भी आप देखिएगा तो डाउ जोन्स जो है आज 28,000 के लेवल जो है टच कर चुका है, तो हालांकि अभी उसके नीचे जो है ट्रेड कर रहा है, तो एक तेजी जो है यहाँ पे बनी हुई है। और कल की देखिएगा जैसे छुट्टी है तो हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मार्केट जो है क्या रिएक्ट करती है सोमवार को ये तो देखेंगे हम, लेकिन सोमवार को जो है नज़र होगी आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, और आज जो है फाइनेंशियल्स जो है काफ़ी तेज जो है दौड़ लगा चुके हैं, तो देखते हैं सोमवार को इसमें किस तरीके की जो है रैली रहती है या किस तरीके का सेगमेंट जो है लाइमलाइट में आता है सोमवार के दिन। बट एक चीज़ यहाँ पे सामने नज़र आ रही है कि स्मॉल कैप जो स्पेस है उसके अंदर एक अच्छा जो है रुख दोबारा से, क्योंकि अभी 5-10 दिन से जो है थोड़ा सा पोज ले रहा था, लेकिन आज फिर दोबारा से जो है स्मॉल कैप के अंदर दूसरे सेगमेंट के जो शेयर्स हैं उनमें तेजी बननी शुरू हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।